समाज के नज़ारे से या घर वाले के नज़ारे से इज्जत किसको बोलते हैं? इज्जत यही है कि लड़कियां ज़्यादा, पहली बात तो लड़कियों को उतना बाजार तक नहीं भेजा जाता है कि क्या करेगी जाके, ये काम है वो काम है, इतना बहुत सारा बताओ पहले, तब तो जाने के लिए दिया जाएगा। मुश्किल से बोलेंगे, कुछ टाइम देंगे कि इतने टाइम के अंदर तुम वापस घर आ जाओ। लड़कियां बाहर देर रात तक बाहर नहीं घूम सकती हैं। इज्जत का मतलब वही है कि हाँ, कहीं किसी का अंजाम मत, कोई बुरी नज़र से तुम्हें देखा तो मेरा इज्जत चला गया, इसलिए हमें मना किया जाता है कि कहीं मत जाओ, किसी से मत बात करो। मुझे तो लगता है कि ये मतलब एक जानबूझकर थोपा हुआ एक कानून है। तो इज्जत है कहाँ? मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि घूमना फिरना उससे इज्जत खराब होती, इज्जत होती क्या है? अगर लड़कियां कुछ देर तक बाहर रहेंगी, कुछ रात, थोड़ी रात हो जाएगी अगर उन्हें आने में, तो बाहर आसपास के मोहल्ले वाले उनसे देखकर बस यही जवाब देंगे, यही बोलेंगे कि लड़की का चरित्र खराब है, ये क्या बोलते हैं, अच्छी लड़कियों में से नहीं है। यही लगता है कि मतलब उनको जो शरीर है सिर्फ उन्हीं, वही उनकी इज्जत है, मान सम्मान जो हम लोग का आगे का बोली विचार या फिर कहीं आगे बढ़ के कुछ करने का, ये उन लोगों के सामने में हम लोग की कोई इज्जत नहीं होती, सिर्फ कपड़े से शरीर को ढकना यही उनके लिए इज्जत है, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। हाँ, कहा जाता है कि लड़कियाँ घर की इज्जत होती हैं। कैसे? ऐसा होता है ना कि लड़कियाँ बाहर जाती हैं, उनके साथ कहीं उल्टा फुल्टा ना हो जाए, उससे माँ बाप पर, उनके परिवार पर बुरा असर पड़ता है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि लड़कियां घर की इज्जत होती हैं। पर लड़कियों को तो शादी करके दूसरे घर चला जाना है, तो फिर इज्जत का क्या मतलब है? वो तो चली जाएगी उस घर से, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, आएगी जाएगी बस। तो फिर वो इज्जत कैसे हुई घर की? घर की इज्जत हुई नहीं। कुमारा भर तो हर माँ बाप को टेंशन रहता ना कि हाँ कुछ ऊँचा नीचा हो जाएगा तो हमारे समाज में बेइज्जती होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही अल्टा है, क्योंकि मतलब बचपन से लेके सबको सिर्फ ये लड़कियों को सिखाया जाता है कि इज्जत, मतलब लड़कियों के पास ही इज्जत होती है, लड़कों के पास इज्जत नहीं होती क्या? हमारे पापा हो चाहे भैया हो, ये कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं कि मतलब लड़की लोग हमारी इज्जत होती है, तो ये क्वेश्चन उन्हीं से पूछना चाहिए कि क्या इज्जत होती है लड़की लोग। अच्छा, ये जो हम लोग को घर में रखा जाता है या जो भी बोला जाता है, तो आपको क्या लगता है ये इज्जत है या औरत के लिए आचार संहिता? आचार संहिता है, जब अपने आप में क्षमता है हमें कि हम आगे गलत नहीं करेंगे, तो भी हमें जबरदस्ती रखा जाता है, इधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ। मेरे ख्याल से इज्जत के मायने वो नहीं होते जो कपड़े से ढके जाते हैं, एक बंद रूम में या फिर बंद कमरे में, घर में जो मतलब इज्जत को मतलब मारा पीटा जाता है, या फिर उनको मतलब उनके ऊपर जो भी फिजिकली और मेंटली जो टॉर्चर किया जाता है, उसको अगर हटा दिया जाए तभी पता चलेगा कि असली इज्जत का मायने क्या होता है। सिर्फ कपड़े ढकने से इज्जत के मायने नहीं बदलते, हमारी थिंकिंग भी बदलनी चाहिए।